नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीरज। देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान से बीते दिनों कोई कीमती लाल चंदन का पेड़ काट कर ले गया और प्रबंधक को भनक तक नहीं लग पाई। वहीं बीते बृहस्पतिवार को भी सिटी रेंजर कॉलेज के पास से कई चंदन के पेड़ चंदन तस्कर पुष्पा गैंग द्वारा काट लिए गए। वहीं ये मामला सामने आने के बाद अभी तक पुलिस को इस मामले में कोई भी सफलता नहीं मिल पाई है। बता दें कि FRI प्रबंधन ने कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस का ये मानना है कि FRI प्रबंधक का कोई व्यक्ति इस तस्करी में शामिल है, वरना इतने बड़े पेड़ ऐसे ही काट कर गायब कर दिए जाएं और किसी को कुछ पता ना चल सके, ऐसा नहीं हो सकता। वहीं सभी एंट्री और एग्जिट पर लगे हुए CCTV कैमरों में भी कोई व्यक्ति पेड़ ले जाते हुए कैद नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये पुष्पा गैंग चंदन लेकर गई तो गई कैसे। वहीं जहां एक तरफ पुलिस FRI से कटे हुए पेड़ों के मामले की जांच में जुटी हुई थी, उसी बीच तस्करों ने सिटी रेंजर कॉलेज के पास से भी चंदन के पेड़ काट दिए। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस मामले का खुलासा कर इस शातिर गैंग को पकड़ पाती है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।